दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी सोयाबीन की सब्जी। यहाँ पे मैंने न्यूट्रेला सोया ग्रेन्यूल्स लिए हैं। अब एक कुकर में तेल गरम करके उसमें मैंने एक हरी मिर्च काट के ऐड की है। आप चाहें तो यहाँ पे टेस्ट के लिए लहसुन ऐड कर सकते हैं। अब मैंने दो बड़ी प्याज को बारीक काट लिया है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। इस प्याज को हमें अच्छे से रेड करना है। इसको अच्छे से सौते कीजिए। पहले मैं हाई फ्लेम पे थोड़ा इसको सौते करूंगी। जब तक ये रेड नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको सौते करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाई फ्लेम पे ये जल ना जाए, तो बीच में स्लो फ्लेम कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्याज रेड हो गई है। अब मैं इसमें चार पांच बड़े कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब टमाटर जब तक गलता नहीं है तब तक हमें इसको घुमाते रहना है। थोड़ा सा अच्छे से घुमाते रहिए ताकि ये चिपक ना जाए। दोस्तों, सोयाबीन हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। इसमें भरपूर प्रोटीन है। अगर आप वेजिटेरियन है और अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए। बहुत टेस्टी बनती है। अब देखिए हमारा टमाटर चढ़ गया है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक टेबल स्पून जितना घी ऐड किया है। ये इसमें बहुत टेस्टी लगता है, आप जरूर ऐड कीजिए। अगर आपको ना पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इस प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसकी एक अच्छे से फाइन प्यूरी बना लीजिए और फिर इस प्यूरी में हम हमारा न्यूट्रेला और आलू मैंने यहाँ पे लिया हुआ है उसको ऐड करेंगे। दोस्तों, मैंने न्यूट्रेला को पहले पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया है, क्योंकि न्यूट्रेला को गलने में, सोया ग्रेन्यूल्स को गलने में टाइम लगता है, तो उसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया है पहले। तो आप उसको बॉईल कर लें। अब हम डालते हैं इसमें मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा धनिया। बस ये मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। इसको थोड़ा सा घुमाइए। पहले हम फाइन थिक प्यूरी रखेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें न्यूट्रेला में चढ़ जाएं। अब देखिए ये मैंने बॉईल की हुई न्यूट्रेला ऐड कर दिए। इसका पानी मैंने निकाल दिया है, वो पानी आप यूज ना करें, उसको जाने दें। और यहाँ पे मैंने थोड़े आलू पीस कर लिए हैं जिसको आपको ऐड करना है। इसमें आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हमें थोड़ा सा मिलाते रहना है ताकि, और थोड़ी देर इसको हाई फ्लेम पे ऐसे ही रहने दें ताकि इसमें प्यूरी, न्यूट्रेला और आलू तीनों एक अच्छे से मिक्स हो जाएं और एकदम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब एक बार ये मिक्स हो जाएं उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और कुकर को बंद करके विसल लगाएं। दोस्तों, इसमें कम से कम 3 से 4 विसल तो लग ही जाएंगी, क्योंकि न्यूट्रेला को गलने में टाइम लगता है। तो अच्छे से चेक कीजिएगा न्यूट्रेला गल गई है कि नहीं। और इस सब्जी को आप पराठे और राइस के साथ सर्व कीजिए। ये राइस के साथ और पराठे के साथ बहुत, दोनों के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। आइए देखते हैं कैसी बनी है हमारी सब्जी। नीरज को तो बहुत अच्छी लगी है ये सब्जी। दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी।